हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएस क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा हो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाके क्लिक करें और उस वीडियो को देखें अगर कोई समस्या है तो, नहीं तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा स्टूडेंट कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस मच आर ए माइनस बी ए ए प्लस बी फाइंड ए एंड बी। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू ए एंड गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम ये मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों को मान लेते हैं तीन जीरो हैं, क्योंकि यहां पे जीरो दिया हुआ है, तीन जीरो दिया हुआ है, तो तीन जीरो को हम अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अच्छा पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं, हियर ए इज इक्वल टू क्या, ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब में क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, कुछ नहीं है, इसका मतलब वन। बी माइनस थ्री, सी वन एंड डी वन मान लेते हैं। अब स्टूडेंट वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या, माइनस बी अपॉन ए। हम लोग ये भी जानते हैं, तो अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो आइए देख लेते हैं ये, तो यानी कि ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है हमारा, ये माइनस माइनस थ्री। बी की वैल्यू रखेंगे, माइनस लाए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा चलिए पहले यहां पे ये लिख लेते हैं बी अपॉन ए, तो ये देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, थ्री ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि थ्री ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वन आया। वैसे ही हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रॉम अल्फा सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास क्या है, अल्फा है बीटा है गामा है। तो देखिए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस सॉरी सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए। सॉरी माइनस डी अपॉन ए होता है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस डी अपॉन ए होता है। तो माइनस डी अपॉन ए हम देखते हैं क्या होता है, तो अल्फा क्या हमारे पास ए माइनस बी, अल्फा क्या है ए माइनस बी, बीटा क्या हमारे पास ए, गामा क्या है हमारे पास ए प्लस बी, सॉरी डी क्या है हमारे पास वन, तो माइनस वन अपॉन वन। अब यहां देखिए स्टूडेंट माइनस ए, ए माइनस बी और ए प्लस बी आइडेंटिटी है किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम लोग देखते हैं यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू क्या, माइनस वन। अब हम यहां पर अगर ए की वैल्यू पुट कर दे, ए की वैल्यू पुट कर दे तो वन, तो वन माइनस
बी स्क्वायर, क्योंकि ए का वन का स्क्वायर होगा तो वन ही होगा और यहाँ वन से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रह जाता है इज इक्वल टू माइनस वन। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन, यहां पे माइनस वन ये और ये इधर से जाएगा तो ये माइनस वन, तो माइनस टू, तो बी स्क्वायर ये देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट टू, ये प्लस माइनस में रहेगा, किस में रहेगा स्टूडेंट प्लस माइनस में रहेगा। क्यों प्लस माइनस में रहेगा, क्योंकि यहां से जब स्क्वायर इसका टूटेगा तो हमें नहीं पता कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर में स्क्वायर रूट में जो भी रहता है उसको प्लस माइनस ही लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि वो किसका स्क्वायर है, माइनस का है प्लस का है, क्योंकि माइनस माइनस में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू आ जाएगा, जो भी होगा समथिंग, मान लीजिए कि माइनस समथिंग में माइनस समथिंग से गुना किए स्क्वायर रूट जो भी आया, तो माइनस समथिंग में माइनस समथिंग से किए तो टू आया, पॉजिटिव टू आएगा, माइनस प्लस समथिंग प्लस समथिंग में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉजिटिव टू आएगा। इसलिए जब भी रूट में रहेगा कोई भी चीज तो उसका स्क्वायर रूट जब बाहर आता है तो वो प्लस माइनस में होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया स्टूडेंट निकल के, ए की वैल्यू हमारी क्या आई, यहां पे देखिए ए इज इक्वल टू क्या है हमारा वन एंड बी इज इक्वल टू या तो रूट टू ले लीजिए पॉजिटिव में और माइनस रूट टू ले लीजिए, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा एक्सरसाइज 4.2 का, आइए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। तो ये है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस मच आर दिस मच एंड दिस मच, ये दो है, फाइंड अदर जीरोस। ये देखिए स्टूडेंट यहां पे दो दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है टू प्लस रूट थ्री, एक दिया हुआ है टू माइनस रूट थ्री, ये जीरोस हैं ठीक, ये दो जीरो दिया हुआ है। अब ये देखिए यहां पे इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है फोर, तो कितने जीरो होने चाहिए फोर जीरो, और दो जीरो हमारे पास दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना होगा, कितने जीरो निकालने होंगे हमको फोर जीरो, यानी कि दो जीरो और निकालना है ठीक। तो आइए समझते हैं, इफ टू प्लस रूट थ्री इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देन क्या हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री, यही होगा ना, तो क्या हो जाएगा और एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री, ये हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। एंड इफ टू माइनस रूट थ्री इज अ जीरो ऑफ गिवेन पॉलिनोमियल, देन एक्स इज इक्वल टू क्या टू माइनस रूट थ्री, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा इंप्लाइज दैट एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू क्या जीरो, और इनका मल्टीप्लाई इनका जो प्रोडक्ट जो होगा वो इसको डिवाइड करेगा, कहने का मतलब इतना एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू क्या, इसका सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, प्रोडक्ट निकालते हैं इन दोनों का तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, ये x हो गया माइनस टू
प्लस रूट थ्री, ऐसे लिख दे रहे हैं, एक्स प्लस, नहीं होगा ऐसे, चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सीधे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री एक्स प्लस टू रूट थ्री माइनस थ्री, ये हुआ x से एक बार मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर, फिर x से के माइनस टू माइनस टू एक्स, फिर x से रूट थ्री में किए तो रूट थ्री एक्स प्लस में, माइनस टू से किए यहां पे, यहां तक इसका हो गया था, माइनस टू में किए तो माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस फोर, फिर माइनस टू से किए माइनस माइनस प्लस, सॉरी किससे कर रहे थे, इससे कर रहे थे माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस फोर, माइनस टू से जब इसमें किए तो माइनस टू रूट थ्री, ठीक है, फिर इससे माइनस रूट थ्री से कर रहे थे तो माइनस रूट थ्री से किए तो माइनस रूट थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस टू रूट थ्री, और इस माइनस प्लस में माइनस थ्री, इतना हो गया। अब यहां पे देखिए, कुछ उड़ने वाला है तो उसको उड़ा दिया जाए, कुछ नहीं उड़ने वाला है तो नहीं उड़ाया जाए। यहां देखिए, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, उड़ गया, और भी कुछ उड़ने वाला है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, उड़ गया, चलिए और भी कुछ उड़ने वाला है क्या, अब कुछ नहीं उड़ने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, और ये प्लस वन, फोर में से थ्री माइनस होगा तो वन, ये इसका मतलब ये इतना जो है विल डिवाइड, विल डिवाइड क्या, माइनस थर्टी फाइव, इतना, ठीक। यहां पे देखिए माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स, चलिए इसका मतलब कि ये इसको डिवाइड करेगा, तो आइए देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करता है। इसको डिवाइड करने के लिए हमको ये मिटाना होगा, ठीक, और आपको इसको नोट करना होगा। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, आगे हम मिटा के करते हैं। तो ये हमने जब मिटा दिया तो ये हमारे पास बचा, तो हम देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से डिवाइड करते हैं, एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव, यहाँ पे करते हैं, इसको भी हम मिटा ही देते हैं, और अब देखते हैं हम लोग क्या होगा। पावर फोर पावर टू, तो हमको क्या करना होगा, पावर टू लाना होगा, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई हुआ इसमें, माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये उड़ गया, एक्स क्यूब देखा जाए ये प्लस में ये माइनस में, माइनस हो जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब, ये माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव। यहां देखा जाए माइनस हमको लाना है, तो सबसे पहले तो माइनस, एक्स क्यूब लाना है इसलिए एक्स, टू लाना है इसलिए टू, तो माइनस टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हुआ था इसमें, माइनस माइनस प्लस फोर टू जा एट एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा यहां पे, माइनस टू एक्स
प्लस माइनस प्लस, ये उड़ गया, ये माइनस हो गया, तो 27 और 8 35 एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो गया तो ये क्या हो गया 140 एक्स माइनस 35। यहां देखा जाए एक्स स्क्वायर लेना तो एक्स स्क्वायर है तो हम 35 से करते हैं, किससे करते हैं 35, क्योंकि माइनस लाना है इसलिए माइनस 35 से, माइनस 35 एक्स स्क्वायर 35 से करेंगे तो 5 4 20 और 4 3 12 और 2 14। अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये माइनस 35, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव उड़ गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव उड़ गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव उड़ गया, तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो ये है हमारा इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट का मतलब कि मतलब बता रहा है ये, है ना, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 विल डिवाइड गिवेन पॉलिनोमियल। ठीक, इसका मतलब ये है, इंप्लाइज दैट कि इसको हम फैक्टराइज करते हैं, 7 5 35 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x माइनस 35 इंप्लाइज दैट। अब देखिए x माइनस x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 7 बचता है, माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो सॉरी कुछ समथिंग इज रॉन्ग। हाँ देखिए यहां पे क्या गलती हुआ, क्योंकि माइनस माइनस ले लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 35 नहीं आएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा 5x माइनस 7x करना पड़ेगा। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 बचा, माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बचा, x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले ले रहे हैं, x प्लस 5 कॉमन ले ले रहे हैं और x माइनस 7 बचता है। तो इस तरीके से देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या एक और जीरो आता है, यानी कि इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू माइनस 5, इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास क्या रहा है, ये दो जीरोज और आ गए, कौन कौन से जीरो आ गए, माइनस 5 और 7, हेंस अदर टू जीरो आर माइनस 5 एंड 7। ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। तो स्टूडेंट आज हमने देखा क्लास 10th का एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे जो भी एक्सरसाइज होगा।